हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ सूजी चीज़ टोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये बहुत ही यमी सा सूजी चीज़ टोस्ट बनाना। सूजी चीज़ टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब सूजी, और सूजी का आधा हम डालेंगे दही। तो जितनी सूजी है उसका आधा मैंने यहाँ पर दही डाल दिया है, और बिल्कुल दही के बराबर में हम पानी डाल देंगे। जैसे दही ली थी बिल्कुल सेम क्वांटिटी में मिला लेंगे सूजी और दही को। यहाँ पर ये सूजी और दही को मैंने अच्छे से मिला लिया है। 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। तो मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और ये सूजी हमारी फूल गई है, देखिए काफ़ी थिक हो गई है। तो इसमें अब डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून के करीब बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। साथ में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच का भी आधा ओरिगैनो, जिससे कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसमें। लाल मिर्च के पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारी हरी मिर्च डाल दी है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं इसमें। और अब मिला लेंगे सभी चीज़ों को। यहाँ पर मैंने सूजी के मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिला लिया है, और लिया है मैंने यहाँ पर एक ब्रेड का स्लाइस, और ये जो सूजी का हमने मिक्सचर बनाया है ब्रेड के एक तरफ बहुत अच्छे से लगा देंगे जैसे हम जैम लगाते हैं। और इस ब्रेड टोस्ट को आप लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, और फिर चाय के टाइम पर भी इसे बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे तैयार करने में। तो एक साइड मैंने इसे बहुत अच्छे से इसमें सूजी का जो बैटर है वो लगा लिया है, और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो इसे हम डालेंगे अब तवे पर, और गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ाया है। तवे को बहुत ही हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, चाहे तो बटर लगा लेंगे, चाहे तेल, चाहे घी, कुछ भी। और ये जो हमने सूजी वाला ब्रेड बना के रखा हुआ है, सूजी वाली साइड हम तवे की साइड पर डाल देंगे ऐसे, और सिकने देंगे अच्छे से, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इसे। और साथ में जो हमारा ये बैटर बच गया है ब्रेड के दूसरी तरफ हम ये बैटर लगाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि सूजी हमारी बिल्कुल पक जाए। और यहाँ पर ये मैंने पूरा बैटर लगा दिया है ब्रेड के दूसरी तरफ। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो इसे हम पलट कर सेकेंगे, और जो हमने सूजी लगाया है ऊपर इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल या घी डाल देंगे ताकि जब इसे पलटें तो नीचे से भी अच्छे से सिके। और अब पलट लेते हैं। हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि बैटर चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब सेजवान सॉस। ये अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसकी जगह पे आप टोमेटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से फैला के लगा लेना है। और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच सेजवान सॉस लगा लिया है, और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से मोजरेला चीज़, जिसके कि मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हुए हैं इस तरीके से, और ये डाल देंगे इसके ऊपर। ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर छोटे पीसेस बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सारे डाल लिए हैं, 2 टेबलस्पून के करीब थे ये।
और अब इसे ढक के पकाना है। यहाँ पर मैं ढक देती हूँ और तब तक पकाना है जब तक ये चीज़ हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और जब ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी और नीचे से भी ये हमारा ब्रेड अच्छे से सिक जाएगा तो हमारा ये टोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो इसके ऊपर आप लेयर वाली चीज़ भी डाल सकते हैं, स्लाइस वाली चीज़, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, या फिर इसके बिना भी इसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर सारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है तो ये हमारा सूजी चीज़ टोस्ट बन के तैयार हो गया है। और नीचे से भी ये ब्रेड बहुत अच्छे से सिक गया है, तो देखिए बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी ये सूजी चीज़ टोस्ट तैयार है। और अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। और चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कीजिए या फिर कट करके सर्व कीजिए, तो यहाँ पर मैं इसे कट करती हूँ। और ये देखिए हमारा ये सूजी चीज़ टोस्ट बन के तैयार है। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सूजी टोस्ट बन के तैयार है। तो इस तरीके से सूजी चीज़ टोस्ट ज़रूर ट्राई कीजिए, या तो ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच बॉक्स के लिए बनाइए, या फिर चाय के टाइम पर बनाइए। सभी को बहुत पसंद आएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।